एनटीए यूजीसी नेट जून 2024 का आपका जो पेपर था साइकोलॉजी का, आपका जो पेपर था मनोविज्ञान का, उसका हम करने वाले हैं यहाँ पर एनालिसिस, और किस प्रकार से वो आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो हमारा एनालिसिस है तो ध्यान से देखिएगा इसको। ये जो वीडियो है आपके आगामी री एग्जाम के लिए, या फिर जब भी आप आगे देंगे दिसंबर में एग्जाम, या फिर आप री एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप देने वाले हैं 2025 में, ये आपको हमेशा फ्रूटफुल रहेगा, हमेशा आपके काम आएगा। और अगर आप इस लेक्चर को पूरा अंत तक देखते हैं तो आप ये मान के चलिए आपके एक दो सवाल तो आएंगे ही आएंगे गारंटीड, और उसी के साथ साथ ऊपर से तीन चार पांच सवाल, कितने भी सवाल आपको अगेन आपको देखने मिलेंगे आपके री एग्जाम के अंदर। ठीक है, जो इस पेपर में आया है उसकी बात नहीं, जो हम बोल रहे हैं वो आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपका साइकोलॉजी का पूरा पेपर एनालिसिस तगड़े तरीके से, और उसी के साथ साथ यहाँ पर हम करने वाले हैं डीप में विश्लेषण कि आपको जो है किस प्रकार से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या चीजें आपको पढ़नी होती है बार बार। और उसी के साथ साथ आपको वीडियो के अंत में यह भी मालूम पड़ेगा कि आउट ऑफ सिलेबस सवाल किस प्रकार से आता है और आउट ऑफ सिलेबस सवाल आपका किस प्रकार से आया था इस बार। ठीक है, ज्यादा नहीं, कम से कम 25 से 26 नंबर जो थे आपके, 26 नंबर जो थे आपके वो कहां से आए थे, 26 नंबर का जो सवाल है वो आपका बाहर से आया हुआ था। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहां पर क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए यहां पर किसकी बात करेंगे, यहां पर बात करेंगे सबसे पहले आपकी यूनिट नंबर 1 के बारे में। ठीक है, यूनिट 1 कौन सी है आपकी, यूनिट 1 है आपकी इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी मनोविज्ञान का आविर्भाव। ठीक है, इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी मनोविज्ञान का आविर्भाव, उसके बारे में यहां पर हम बात करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है यहाँ पर पहली ही बार, वो किसके बारे में है, वो है आपके यहाँ पर चक्र के बारे में। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपका सवाल इंक्लूड किया गया है पूरी हिस्ट्री में, यानी कि 2019 से लेके या इसके पहले भी अगर आप देखें तो आपके जो चक्र है इंडियन साइकोलॉजी में या योग नियम जो सब है वो आपको पहली बार पूछा गया है चक्रास के बारे में। ठीक है, तो जो चक्र है ये आपको पूछे गए हैं जीवन में पहली बार। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या आपके सिलेबस में मेंशनड है, हाँ सिलेबस में आपके मेंशनड है यहाँ पर, जहां पर वो लिखा है क्या, योगा। ठीक है, अब योग के अंदर कई सारी चीजें आती हैं, तो आप क्या सारी चीजें पढ़ेंगे, नहीं, कुछ चीजें आउट ऑफ द बॉक्स आती हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखा आपने सवाल यहाँ पर चक्रास के बारे में। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या है आपका, अगला सवाल यहाँ पूछा है अगेन इस प्रकार का सवाल, देखिए आपको यहाँ पर नया इंक्लूड किया है, फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया है, वो क्या है आपके पास, वो है आपका क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी से, यानी कि अमेरिकन कल्चर, इंडियन कल्चर, जैपनीज कल्चर, हल कल्चर में क्या होता है आपका, अलग अलग किस प्रकार से साइकोलॉजी काम करती है नहीं करती है, उससे संबंधित पूछा है। और आपसे क्या पूछा था यहाँ पर, आपसे पूछा था एटिक के बारे में और आपसे पूछा था यहाँ पर एमिक के बारे में। ठीक है, ये दोनों अप्रोचेस क्या होती है, कहां से हमको जाना है, ये आपसे पूछा गया है इस पेपर के अंदर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, ये आपने देखे दो सवाल। अब देखते हैं अगला सवाल क्या पूछ रहे हैं आपसे, अगला सवाल जो आपसे कर रहे हैं वो है किसके बारे में, वो है आपका क्रोनोलॉजी क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो आपको जो मनोविज्ञान की हिस्ट्री है उसमें आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है सवाल उसकी क्रोनोलॉजी से संबंधित, यानी कि पहले पावलोव आया, फिर साइको एनालिसिस आया, फिर क्या हुआ, व्यवहारवाद कब आया, वॉटसन ने कब किया, विलियम वुंड ने कब किया, वो सब चीजें कहां देखने मिलती हैं आपको, वो सब देखने मिलती हैं आपको इस सवाल के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल जो है आप लगाते रहते हैं, कुछ भी नवीन आपके लिए यहां पर है नहीं। ठीक है, ओके, अगला सवाल देखिए जो पूछा गया है वो कौन सा है, वो आपका यहाँ पर है अष्टांग योग से संबंधित। ठीक है, आपका यम नियम और वो जो सारी चीजें हैं वो आपसे पूछी गई हैं, यूनिट 1 की बात कर रहे हैं केवल। ठीक है, तो अष्टांग योग जो है आपका, ठीक है, तो जो यहां पर आपका अष्टांग योग है उसके अंदर आपका यम नियम आसन प्राणायाम वो सब चीजें आपको पूछी गई हैं। और क्या है पहले हो चुका है, यस ये आपको पहले पूछ चुके हैं, यानी कि सवाल हुआ आपका रिपीट, PYQ लगाना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, ओके, उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या पूछ रहे हैं, वो अगला सवाल पूछ रहे हैं आपसे अष्टांग योग में यम नियम की डिटेल्स के बारे में। ठीक है, उनकी डिटेल्स के बारे में पूछ रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या हुआ, होके रखा हुआ है, वो आपसे पूछ रहे हैं अष्टांग योग में। तो देख रहे हैं आप अष्टांग योग से ही आपको दो सवाल, यानी कि आपके कितने नंबर, 4 नंबर आपके क्लियर हो जाते, पक जाते आपके, अगर आपने जो है अष्टांग योग को आपने अच्छे से पढ़ा है और उसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं तो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला जो सवाल पूछा गया है वो क्या है, वो आपका देखिए ये है उम मिट और आइगन के बारे में। ठीक है, ये दिया है आपको, ये क्या आपका रिपीट हुआ है, यस ये आपका सवाल अगेन आपका यहाँ पर रिपीट हुआ है। ठीक है, तो एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल आपके जो है क्या हुए हैं, ये आपके रिपीट हुए हैं आपके PYQ से। उसी के साथ साथ देखिए ये जो क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है आपको मालूम है प्रीवियस कुछ टाइम से, 2-3 बार से आपको हमेशा पूछते हैं और पहले भी पूछते रहे हैं 2019 से। तो ये कौन पढ़ेगा, ये पढ़ेंगे आप। 4 प्रकार के सवाल आपको देखिए टाइप मालूम है जो क्या हुए हैं आपके, ये रिपीटेड सवाल हैं आपके PYQ से। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें।
और इसी के साथ जो है यहाँ पर आपका यूनिट वन से आपको इस बार बात करें तो आपको ये सब पूछा गया है यूनिट नंबर वन से, ठीक है। तो यूनिट नंबर वन से कितने सवाल हैं आपके अप्रोक्सीमेटली देखें अगर इस बार, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। आपके यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 6 क्वेश्चन आपके कहाँ से हैं, 6 सवाल आपके कहाँ से हैं, 6 सवाल हैं आपके यहाँ पर यूनिट नंबर वन से केवल, 6 सवाल यानी कि आपके 12 मार्क्स, ठीक है। तो क्या आपके लिए पढ़ना जरूरी है? यस, ये सब पढ़ना आपको जरूरी है, ठीक है। एंड अगर आप ये सब पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ, तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप ये जो नीचे नंबर दिया है यहाँ पे संपर्क करके आप जो है कोर्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे और अब आपको समझ में आएगा कि जब से आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि आपके लिए चीज जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा वो कौन सी है, यूनिट नंबर सेकेंड और यूनिट नंबर 9, वो देखिए आपको समझ में आएगा इसी पेपर एनालिसिस के अंदर, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखना आप बिल्कुल भी ना भूलें, और उसी के साथ साथ आपको वीडियो के अंत में यह भी मालूम पड़ेगा कि आउट ऑफ सिलेबस सवाल किस प्रकार से आता है, क्या आता है और क्या सारी चीजें आपको जो है इंक्लूड करनी है अपनी आगामी स्टडीज के अंदर, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं आगे यूनिट नंबर 2 के ऊपर। आपने देखा 6 में से कम 3 से 4 सवाल आपके थे ऑलरेडी रिपीटेड है, ठीक है, पहले आ चुके हैं सवाल, कुछ भी नया नहीं है। अब हम बात करेंगे आपकी जो यूनिट 2 है यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे, आपकी जो रिसर्च मेथड्स है उनके बारे में यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या क्या पूछा हुआ है आपसे, पूछा हुआ है रिसर्च के बारे में, मैच द कॉलम, एक सवाल आया था आपको वहां पर ग्राउंडेड थ्योरी फेनोमेनोलॉजी, इस प्रकार से आपको जो था केस स्टडी इस प्रकार से आपको जमाने के लिए दिया था, ABCD यहाँ पर दिया हुआ था और 1, 2, 3, 4 यहाँ पर दिया हुआ था। इस प्रकार से आपको क्या करना था, मैच द कॉलम करना था। ये सवाल आपको आया हुआ है, क्या रिपीट है? यस, ये आपका रिपीटेड सवाल है, आपको पहले भी इस प्रकार से पूछ चुके हैं, ठीक है। तो ये देखा आपने रिपीटेड सवाल है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है नेक्स्ट एक्शन रिसर्च के ऊपर, ठीक है। इस पे आपने लेक्चर देखा है हमारा तो ठीक है, लेकिन एक्शन रिसर्च देखिए ये भी आपका क्या है, ये भी आपका रिपीटेड सवाल है, पहले आपसे पूछ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। ये भी आपसे पूछ चुके हैं एक्शन रिसर्च के बारे में, क्या होता है, कौन से स्टेप्स होते हैं, इवन जो सवाल का पूछने का तरीका है वो भी सेम है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो पूछा है आपसे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम बात करें रिग्रेशन इक्वेशन के बारे में, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, जिसको आप जानते हैं समाश्रयण, ठीक है, समाश्रयण के नाम से इक्वेशन जो क्या होती है, y = a + bx, ठीक है। ये जो आपकी इक्वेशन है ये जो है आपको पहले भी पूछ चुके हैं, ठीक है। तो अगेन देखिए ये तीसरा जो है आपका, ये अगेन PYQ आपका रिपीट हुआ है, इस इक्वेशन के बारे में पूछा है कि इसमें क्या होता है, स्लोप पूछा है, कुछ तो भी पूछा हुआ है आपसे यहाँ पर, ठीक है। तो अगेन देख रहे हैं रिपीट सवाल, 3 सवाल देखे, तीनों के तीनों रिपीट आपके हो चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद देखिए फैक्टर एनालिसिस वाला सवाल, ठीक है, यानी कि आप इसको जानते हैं कारक विश्लेषण के नाम से, ये सवाल भी अगेन रिपीट हुआ है आपका, ठीक है। ये सवाल भी सेम टू सेम रिपीट हुआ है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, है ना, वहां पर जो आंसर था यहाँ पर भी वही आंसर है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। इस प्रकार की भी जो है यहाँ पर आपको सवाल देखने मिलते हैं, सेम टू सेम ऑप्शन भी वहां पर कॉपी पेस्ट होता है। तो 4 सवाल आपने देखे अभी तक, एंड चारों के चारों क्या है, आपके रिपीटेड सवाल है आपके PYQ से, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे अगला जो सवाल है वो कौन सा है, अगला सवाल जो आपके सामने आ रहा है वो आ रहा है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर, ठीक है। तो ये थोड़ा आपका था जो थोड़ा डिटेल वाला सवाल था, डीप वाला सवाल था क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर, लेकिन इसकी जो थीम थी वो भी अगेन क्या थी, वो भी अगेन यहाँ पर रिपीटेड थी। किसके बारे में पूछ रहे थे आपसे, वो जो उसका आंसर था, ठीक है, उसके बारे में आपको पूछा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, कि क्या होता है, इंक्वायरी होती है, क्या होता है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर, यानी कि गुणात्मक शोध के अंदर हम क्या करते हैं वो आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 सवाल हो चुके हैं और पांचों के पांचों का जो है रिपीट है थीम पूरी की पूरी, कुछ तो सेम सवाल आपके रिपीटेड है। अगला देखिए पैरामेट्रिक वर्सेस नॉन पैरामेट्रिक, ठीक है, ये भी आपका देखिए अगेन रिपीटेड सवाल है, इसके बारे में आपसे पूछते रहते हैं बार बार, ठीक है। बस क्या किया है उन्होंने यहाँ पर चेंज, फ्राइडमैन के बारे में उन्होंने देखिए आज तक नहीं पूछा हुआ था डायरेक्टली इस प्रकार से, ठीक है, तो वो आपको पूछा है फ्राइडमैन टी टेस्ट, सॉरी फ्राइडमैन के जो टेस्ट है उसमें क्या होता है आपका, उसका अल्टरनेटिव कौन सा है, पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक वाला, वो आपसे पूछा है, ठीक है। टी टेस्ट है, अनोवा है, FR Max है, क्या है यहाँ पर, वो आपसे पूछ रहे थे, ठीक है। तो ये जो है ये क्या रिपीट हुआ है, यस, ये भी आपका रिपीटेड सवाल है, ये आपको पास्ट 2 ईयर आप देखेंगे तो वहां पर आपको देखने मिलेगा, एक मैच द कॉलम वाले में आपको फ्राइडमैन के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्ट सवाल नहीं है लेकिन वो मैच द कॉलम वाला सवाल है, तो वो आपको ध्यान रखना है, PYQ से आपको सवाल देखने मिल रहा है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 के 6 सवाल जो थे आपके यहाँ पर अभी तक क्या हो चुके हैं, सेम टू सेम आपके रिपीट हो चुके हैं रिसर्च मेथड से। उसके बाद देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन आपका जो है SD एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इससे आपको सवाल पूछा गया है, ये आपका नंबर 7 सवाल है और ये भी आपका रिपीट है, जो वहां पूछ रहे थे सैम्पलिंग एरर के बारे में वही आपको अगेन यहाँ पर पूछा हुआ है, ठीक है। ये आपका आया है कहाँ पर, यूनिट 2 के अंदर ये सब सवाल आए हुए हैं इस बार जब आपने एग्जाम दिया था। उसके बाद देखिए अगला जो कहानी है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, अगली कहानी आपकी यहाँ पर है टाइप 1 एरर के बारे में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नवीन सवाल था,
टाइप वन एरर क्या होता है, लेकिन अगर आप रिसर्च पढ़ रहे हैं इतने अच्छे से तो आपको मालूम होना चाहिए इसके अंदर क्या सारी चीजें होती है टाइप वन एरर के अंदर। ठीक है, तो ये सवाल आपका आया है यूनिट नंबर सेकंड से। उसके बाद देखिए स्टेटिस्टिकल पावर के बारे में पूछ रहे हैं आपसे, तो ये भी थोड़ा सा उन्होंने जो है नया कंसेप्ट इंक्लूड किया है, लेकिन ये सब कहां पर है आपके यूनिट नंबर टू के सिलेबस में, सारी चीजें आपको यहाँ पर दी हुई है कि ये सब हम आपसे पूछेंगे। ठीक है, ओके, उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद चलिए खत्म हो गए क्या यहाँ पे सवाल। तो कितने सवाल आए हैं आपके यहाँ पर देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 सवाल कहां से आए हुए हैं आपके, 9 सवाल आए हुए हैं आपके यूनिट नंबर टू से। तो अब आपको समझ में आया कि आपको क्या बोलते हैं, आपको बोलते हैं कि ये जो यूनिट इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो कौन सी है, वो है आपकी यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप मान के चलिए आप दूसरों से अन्य कॉम्पिटेटिव एज में रहते हैं और वो सब आपको फायदा मिलता है। ठीक है, तो यूनिट नंबर टू से कितने सवाल आए हैं, 9 सवाल आए हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी देखिए और आगे क्या मैजिक होता है उस पर चलते हैं। आगे देखिए, आगे आपको क्या पूछा हुआ है यहाँ पर, आपसे पूछा हुआ है फैक्टोरियल डिजाइन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे कितने कर लिए हमने, यहाँ पे 9 कर लिए हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 10 जो है आपका, वो क्या है, वो है आपका फैक्टोरियल डिजाइन के ऊपर, यानी कि कारक विश्लेषण के ऊपर। ठीक है, अगेन सेम सवाल पूछ रहे थे आपको यहाँ पर, अगेन आपको यहाँ पर जो है रिपीट किया हुआ है इस सवाल को भी फैक्टोरियल डिजाइन से संबंधित। नहीं नहीं ये रिपीट नहीं है, सॉरी ये यहाँ पर आपका जो रिपीट नहीं है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे आपसे पूछा है कि कैसे आप मीन स्क्वायर वो जो है उसको आप निकालेंगे, वो आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है। ठीक है, ओके, उसके बाद देखिए अगला आता है आपका यहाँ पर कोरिलेशन के बारे में। ये आपका देखिए अगेन रिपीटेड सवाल है, सवाल नंबर 11। तो कोरिलेशन जो है आपका वो क्या है, सहसंबंध। तो पॉइंट बाय सीरियल में क्या होता है, बाय सीरियल में क्या होता है और कहाँ पर क्या होता है, वो सब आपको कराया हुआ है। तो वो आपको ध्यान से पढ़ के रहना है और पढ़ के आपको जाना है। हर बार देखिए पूछ रहे हैं आपसे, प्रत्येक पेपर के अंदर आप देखेंगे कोरिलेशन संबंधित सवाल आपको आता है, और देखेंगे आप कि इस बार के पेपर के अंदर भी आपको जो है सहसंबंध से सवाल आपको देखने मिलने वाला है डेफिनेटली। ठीक है, डेफिनेटली कह रहे हैं 99.9%, 1% के लिए हम ले रहे हैं फ्रीडम ऑफ लिबर्टी। उसके बाद देखिए अगला क्या पूछा है, अगला पूछा है आपसे काय स्क्वायर के बारे में। ठीक है, ये नया इंक्लूड किया है उन्होंने यहाँ पर, तो अगली बार आप जो है काय स्क्वायर अच्छे से पढ़ के जाएं 12 नंबर के अंदर। ठीक है, ये जो सवाल है आपका कहाँ पे पूछा हुआ है, पूछा हुआ है आपसे काय स्क्वायर के अंदर। तो अभी आपको समझ में आएगा कि जो आपको बोलते हैं इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी सबसे ज्यादा, है ना, सारी यूनिट एक तरफ और ये वाली यूनिट जो है आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। 12 सवाल देख लिए आपने यहाँ से ऑलरेडी, यानी 12 सवाल कितने होते हैं आपके, 24 मार्क्स आपके कहलाते हैं, ये कम नहीं होते हैं। ठीक है, जो पास करते हैं उनको, उनसे पूछिए 24 मार्क्स। उसके बाद क्या है, अरे अभी रुकिए, ऐसे कैसे, अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वैलिडिटी, नहीं ये आपका यूनिट नंबर 3 में आएगा। ओके, वहां पे कुछ दिया हुआ है आपके फैक्टर एनालिसिस से संबंधित, ये सवाल है कुछ। ठीक है, तो इसको हम इंक्लूड करेंगे कहाँ पर, इसको हम यहीं पे इंक्लूड कर लें, नहीं यहाँ नहीं करते हैं, इसको हम करेंगे आगे यूनिट नंबर 3 के अंदर। ठीक है, यहाँ पे गलती से लिख दिया है, लेकिन जो सवाल पूछ रहे थे वहां पर वो कुछ आपका यूनिट नंबर 2 से संबंधित था। ठीक है, तो कितने सवाल देखे आपने यहाँ पर, 12 देखे क्या, क्या यहीं पर कहानी खत्म हो गई है? नहीं, यहाँ पे कहानी खत्म होगी तो फिर कैसे काम चलेगा, कहानी जो है शुरू होती है वो यहाँ से रिग्रेशन पे। ऊपर देखिए आपको 5 सवाल पूछे हैं आपके पैराग्राफ के, जो अंत में आपने सवाल देखे तो जोड़ दीजिए इसको, 12 और 5 कितना होता है, 17 सवाल। अब आप बताइए अगर आप भागेंगे कहां से, हमसे नहीं, अगर आप भागेंगे रिसर्च से तो कैसे काम चलेगा। 34 मार्क्स आपके पास यहां पड़े हुए हैं आपके 200 लाने में से, ठीक है, वो अगर आप इसको छोड़ देंगे तो कैसे आपका काम चलेगा बताइए। 34 नंबर आपके यहां डले हुए हैं, 17 सवाल 17 क्वेश्चंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्यों नहीं कर रहे हैं अच्छे से, ये करना है आपको अच्छे से, जी जान से पागलों की तरह करना है आपको ये 17 सवाल। आप देखिए पुराने हमारे एनालिसिस देखिए, कम से कम 15 प्लस सवाल आपको हर सेशन में मिलेंगे, ऑन एन एवरेज 15 प्लस सवाल आपको देखने मिलेंगे हर बार, एक आध बार का भी हो सकता है 12-13 आए हों, लेकिन ये 12-13 भी जो है स्मॉल नंबर नहीं है। ऑन एन एवरेज निकालेंगे आप तो 15 प्लस सवाल आपको देखने मिलेंगे, 19-19 सवाल आपको देखने मिलते हैं रिसर्च से। ठीक है, तो अब आपको शायद आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट नंबर 2 आपको जो है करके ही जाना है अगर आपको पास करना है तो। ठीक है, नेट जीआरएफ तो कितने सवाल हो गए टोटल यहाँ पर, 17 सवाल आपके यहाँ पर हो गए हैं टोटल। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। इसके बाद देखिए ये कर लिया, अब इसको जो है ये वाला वैलिडिटी इसको हम इंक्लूड करेंगे कहाँ पर, हम करते हैं यूनिट नंबर 3 के अंदर। ठीक है, ओके, चलिए यहाँ पर देखिए आगे अभी। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि अगर आप जब भी एग्जाम दे रहे हैं, भले ही आप री एग्जाम दे रहे हो या फिर आप दिसंबर का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप जून 25 का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप दिसंबर 25 का एग्जाम दे रहे हो, जब भी आप परीक्षा देने वाले हैं, डोंट मिस दिस यूनिट नंबर सेकंड रिसर्च मेथड। ठीक है, और अगर आप इसको करना चाहते हैं आप हमारे साथ, तो आपको यहाँ पर नीचे डिटेल दी हुई है, उसको आप देख सकते हैं और आगे आप वहां पर आ सकते हैं और अच्छे से जो है अपनी रिसर्च मेथड्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, काफी सारे लोगों ने जो है अपने नंबर इंक्रीज किए हैं धड़ल्ले के साथ और उसी के साथ साथ नेट भी निकाला हुआ है, तो आप इसको करना चाहें तो आप इसको एक ट्राई दे सकते हैं।
अगला देखिए, यूनिट नंबर 3 बात करेंगे, वो क्या है आपकी, वो है आपकी टेस्टिंग संबंधित। ठीक है, टेस्टिंग संबंधित आपकी ये यूनिट है। यहां से लेके आते हैं इसको, हम वैलिडिटी को लेके आते हैं यहां से, और ये आपकी जो है यहां पर आ चुकी है वैलिडिटी, मतलब एक सवाल आपका यहां से आ चुका है। ठीक है, ओके। अगला देखिए, अगला क्या पूछ रहे हैं आपसे, आइटम राइटिंग के बारे में पूछ रहे हैं आपसे। ये सवाल क्या रिपीट है? यस, ये अगेन आपका रिपीट है। क्रोनबाक अल्फा पहले आता है, कौन सा पहले आता है, पहले हम क्या चेक करते हैं, पहले हम आर चेक करेंगे, पहले हम वी चेक करेंगे, पहले हम एन चेक करेंगे, जैसा आपके सिलेबस में दिया हुआ है ठीक उसी प्रकार से आपको सवाल बना के पूछा है। सेम आपका सवाल जो है अगेन यहाँ पर रिपीटेड देखने मिल रहा है। उसके बाद देखिए, बात करें आपकी रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट के बारे में, इसको निकालने के संबंधित सवाल है कि इसको हम डबल करेंगे तो क्या होगा। तो जो आपको फॉर्मूला बताया है उसको आपको ध्यान रखना है ताकि आप इसको मिस ना करें। ठीक है, ये भी आपका जो है नया इंक्लूड किया है, नया इंक्लूड नहीं किया, इन द सेंस 1920 में आपको पूछ रहे थे सवाल इससे संबंधित, बस सवाल का जो है पैटर्न बदला है, थीम वहीं पर अभी भी सिमिलर है। उसके बाद देखिए, पूछ रहे हैं आपसे यहाँ पर नॉर्म्स संबंधित, यानी कि मानक संबंधित, कौन से मानक होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, एज स्कोर नॉर्म, ठीक है, ग्रेड नॉर्म, वो सब क्या होता है, वो सब आपको यहाँ पर जान के रखना है टेस्टिंग वाली यूनिट के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखें आगे चलते हैं, चार सवाल हो चुके हैं अभी तक, आगे यहाँ पर देखेंगे आप तो पाएंगे इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, अगेन आपका जो है रिपीटेड सवाल, इसके अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, स्प्लिट हाफ आता है इंटरनल कंसिस्टेंसी के अंदर, और क्या क्या आता है, वो सारी चीजें आपको जो है ध्यान रखनी है। आंतरिक निरंतरता, विश्वसनीयता आपको बार बार पूछ रहे हैं, हाईली रिपीटेड सवाल है आपका ये, हो सकता है इस बार ना आए या आगे ना आए, लेकिन आगे आपको पढ़ के ही जाना होगा, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए, एक अजीब सा सवाल टेस्ट स्केल इन्वेंटरी के ऊपर, और ये आपका इजी सवाल था, कुछ डिफिकल्टी नहीं है, बस आपको ये वाला होना चाहिए कि परीक्षण क्या होता है, मापनी क्या होती है, इन्वेंटरी क्या होती है, तो आप उसको बड़े आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको केवल कॉमन सेंस चाहिए, कुछ ऐसा पढ़ा हुआ आपने होना जरूरी नहीं है। उसके बाद देखिए क्या पूछ रहे हैं आपसे, ऑस्गुड सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल 2021 के बाद आपको ये आज देखने मिल रहा है। ठीक है, ऑस्गुड की सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल के बारे में 2021 के बाद आपको सवाल पूछा गया है 24 के अंदर। तो 2021 की सीरीज अगर आपने नहीं देखी है फ्री वाली, तो क्या कर रहे हैं, उसको आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ आपके जो है यूनिट नंबर 3 के सवाल जो है समाप्त होते हैं। कितने आए आपके यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस 1, 7, तो 7 सवाल आप देख रहे हैं कहाँ से, टेस्टिंग यूनिट से। इसलिए कहते हैं आपको टेस्टिंग पढ़े ना पढ़े, ऑलमोस्ट लगभग देखिए कॉमन सेंस की चीज है, पूरा का पूरा आपका यहाँ करेंगे, पीवाईक्यू कर लेंगे आप अच्छे से, तो आपका यहाँ पर काम चल जाएगा, ऐसा कुछ बड़ा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसी के साथ देखिए, इसके अंदर और भी सवाल बन सकते हैं, लेकिन इस बार वो जो है आपके जून 2024 के अंदर पूछा नहीं गया है, तो उसके बारे में चर्चा यहाँ पर हम नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 4 के अंदर, और जिसने भी यूनिट नंबर 4 अच्छे से करी है उनका काफी ज्यादा फायदा हुआ है इस बार, वो देखते हैं कैसे। ठीक है, यूनिट नंबर 4 कौन सी है आपकी, वो है आपकी यहाँ पर बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, यानी कि आपके व्यवहार के जैविक आधार के बारे में आपको जो है जानकारी होनी चाहिए, और जो हमारे यूनिट 4 के लेक्चर्स हैं उनका बनना सफल होता है इस पेपर के बाद। ठीक है, उतना डीप में जो सारा कुछ कवर था लेक्चर्स के माध्यम से, सारा कुछ जो है यहाँ पर कवर हुआ है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें, पूछा हुआ है कि कौन सा है इसमें से एंडोक्राइन सिस्टम है या कौन सा नहीं है, अगेन आपका आसान सवाल। अब यहाँ पर देखिए, न्यूरॉन की आई वर्किंग ये पूछ रहे हैं आपसे, ये आपका रिपीटेड सवाल है, लेकिन कैसे, पहले आपसे पूछते थे किसके बारे में, पहले आपसे पूछते थे वहां पर पाथवे के बारे में, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, सिंपली पूछा है कि गैंग्लियन सेल से कैसे जाता है, एकदम स्टार्टिंग जहां से इनिशियली शुरुआत होती है, जो अभी तक नहीं पूछा था उसको इस बार उन्होंने यहाँ पर पूछा हुआ है। उसके बाद देखिए, ये आपका अगेन रिपीटेड सवाल है, न्यूरॉन में श्वान सेल्स क्या करता है क्या नहीं करता है, वो आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, पहले उन्होंने क्या पूछा था, इसके पहले पूछ के रखा है उन्होंने ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स के बारे में, इस बार जो है सवाल सेम है, बस आंसर केवल थोड़ा सा चेंज है वहां पर, और आपका जो श्वान सेल्स है वो वहां पर आपका उत्तर हो जाएगा इस वाले एग्जाम के अंदर। उसके बाद देखिए, पूछा है आपसे हेमिस्फीयर्स के बारे में, बड़ा ही बेसिक सवाल कि क्या चीज हमारे जो हेमिस्फीयर्स को जोड़ती है, इस स्तर का सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, उनकी बात मान लेते हैं, क्योंकि आगे जो है बहुत ही खतरनाक स्तर का सवाल आने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या पूछ रहे हैं आपसे यहाँ पर, उसके बाद आपसे जो पूछ रहे हैं वो है आपका आई के बारे में, कलर विजन के बारे में, ये जो है थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पर इस बार न्यू टॉपिक टाइप का इंक्लूड किया है, लेकिन इसको भी कवर करेंगे आगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पूछ रहे हैं आपसे ब्रेन स्ट्रक्चर के बारे में, ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, किस प्रकार से होता है, कौन से चीजें होती हैं, वो आपसे पूछा हुआ है सिंपली। ठीक है, और फिर बात करते हैं किसके बारे में, बात करते हैं आपकी लोब्स के बारे में, यानी कि पालियों के बारे में, कौन सी पाली कहाँ पर होती है, ललाट पाली, शंख पाली, और जो होती है पालियां, ठीक है, उसके बारे में पूछा है, और आप वहां पर पूछ रहे हैं कि कौन सा कॉर्टेक्स आपका जो है, मतलब आपको सेंस होता है टच के लिए या फिर आपके स्मेल के लिए, वो आपको ध्यान रखना है कि कौन से लोब्स के अंदर कौन सा काम होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए क्या पूछ रहे हैं आपसे, आपसे पूछा है यहाँ पर सेल से संबंधित बहुत ही बेसिक सा सवाल, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कि सेल के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, जो एक आज के 8वीं या 10वीं क्लास के बच्चे को भी
मालूम होगा, ठीक है। तो मे भी हो सकता है इनका प्लान आगे हो, ठीक है। खैर उस विषय में नहीं जाते हैं। यहाँ देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने सवाल है आपके यहाँ पर, 8 क्वेश्चन आपके हैं। कहाँ से? 8 सवाल पूछे गए हैं आपके यूनिट नंबर 4 से, ठीक है। 8 सवाल कम नहीं है इस यूनिट के लिए, अच्छे सवाल है आपको पूछे गए हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए, नहीं एक और है यहाँ पर, ब्रेन टेक्निक्स भी आपके यहाँ पर है, पूछी गई है। अगेन ये आपका देखिए पीवाईक्यू आपका रिपीट है, ठीक है। इसमें ये पीवाईक्यू रिपीट है, ये पीवाईक्यू रिपीट है, ठीक है। ये कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस, ये कॉमन सेंस। उसके बाद बात करें, ये आपका पीवाईक्यू रिपीट है, ये आपका पीवाईक्यू रिपीट है, ये भी आपका पीवाईक्यू रिपीट है। ये सभी जो है आपके यहाँ पर किसके बारे में है, आपके पीवाईक्यू संबंधित है, ठीक है। तो 8+1 टोटल टोटल कितने हो रहे हैं यहाँ पर, 9 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके यहाँ पर यूनिट नंबर 4 से, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं आगे। आप लोग की फेवरेट यूनिट आने वाली है यूनिट नंबर 5, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं और देखते हैं कितने धमाकेदार सवाल पूछे हुए हैं इस बार आपकी यूनिट नंबर 5। लर्निंग और वो सब चीजें होती है, अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन, आप लोग परेशान होते हैं और आपको लगता है कि साइकोलॉजी यही है। क्लासिकल कंडीशनिंग का सवाल पूछा हुआ है, इसमें कौन सी होती है बैकवर्ड कंडीशनिंग, फॉरवर्ड कंडीशनिंग, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग और ट्रेस कंडीशनिंग में क्या क्या चीजें होती है वो आपसे पूछी गई है। अगेन ये क्या है, आपका पीवाईक्यू रिपीट है, पीवाईक्यू पूछा हुआ है और कुछ नहीं। उसके बाद देखिए, न्यूरो साइंटिस्ट व्यू ऑन सीसी आपके क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर, ये जो आपके तंत्रिका मनोवैज्ञानिक है, तो तंत्रिका वैज्ञानिक है, सॉट नॉट मनोवैज्ञानिक, वो उनके बारे में पूछा है आपसे यहाँ पर कि वो क्या काम करते हैं या फिर उनका क्या कहना है क्लासिकल कंडीशनिंग को लेकर। तो ये थोड़ा सा नया सवाल है, नया इनपुट है यहाँ पर, ठीक है, न्यू कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाए हैं, तो आगे भी आपको ऐसे सवाल देखने मिल सकते हैं आपको, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद देखते हैं अगला सवाल क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग रीइन्फोर्सर, ठीक है। ये जो आपको बताते हैं कि क्या आपको प्रबलक है, क्या प्रबलक नहीं है आपका यहाँ पर, इसके बारे में आपसे पूछता है, ठीक है। ये कर लिया आपने, ओके। उसके बाद क्या है आपका, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी यूनिट पढ़ी थी हमने, अरे ये क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे आप देख रहे हैं यूनिट नंबर 5 से कितने सवाल पूछे गए हैं, केवल 3 सवाल पूछे गए। हाउ मेनी क्वेश्चन, ओनली 3 क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट नंबर 5। तो बताइए, ऐसा नहीं है यूनिट नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछते भी है, लेकिन कंप्लीटली डिपेंड करता है एनटीए के ऊपर कि वो किस प्रकार से पेपर सेट कर रहे हैं और किस प्रकार से आपसे पूछने वाले हैं, ठीक है। तो केवल 3 सवाल हैं आपके और आप जो है महीनों महीनों लगा दे रहे हैं यूनिट नंबर 5 के लिए, तो ऐसा आपने करना है, ऐसा आपने नहीं करना है आगे के लिए, ध्यान रखें आप। ऐसा नहीं है यहाँ से 22 सवाल भी पूछे गए हैं आपको, डिपेंड करता है पेपर किस प्रकार का सेट हुआ है, ठीक है। इन शॉर्ट आपको यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 तक सभी पढ़ना है, लेकिन फोकस की जो कौन सी यूनिट्स हैं जो हम बता रहे हैं आपको, वो वाली अगर आप मानना चाहें तो, बाकी आप ऐसे कर सकते हैं अपनी स्टडी, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल रहा है यूनिट वाइज एनालिसिस भी, ठीक है, तो उसको देखिए। चलिए, यहाँ पर 3 सवाल पूछे गए हैं, अब हम बात करेंगे आपकी यूनिट नंबर 6 के बारे में, जो कौन सी है यूनिट नंबर 6 है आपकी यहाँ पर, वो है आपकी कौन सी, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी के बारे में। तो उसको देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको सवाल पूछा गया है यहाँ पर किसके बारे में, लैंग्वेज के ऊपर पूछा गया है, भाषा के ऊपर पूछा गया है, किसके द्वारा, आपके नोम चॉम्स्की के द्वारा, ठीक है, LAD के बारे में। और यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, ये भी आपका पीवाईक्यू रिपीट है, ठीक है, पीवाईक्यू आपका रिपीट हुआ है यहाँ पर। उसके बाद देखिए, क्रिएटिविटी के बारे में पूछा है, गिलफर्ड क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, ये आपसे पूछा गया है इसके बारे में। उसके बाद देखिए, यहाँ पर क्रिएटिव प्रोसेस की स्टेप्स कौन सी हैं, अगेन इसको अगर आप पाएंगे तो आप देखेंगे पीवाईक्यू आपका आया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद देखिए, अगला जो है पास थ्योरी, पीवाईक्यू अगेन, ठीक है, इसका जो आंसर है पास थ्योरी आपका पीवाईक्यू अगेन पूछा हुआ है आपसे। उसके बाद देखिए, क्रिएटिविटी के 4 पीस क्या है, अगेन आपका पीवाईक्यू है, 1920 का पूरा पेपर चल रहा है आपका यहाँ पर। इंटेलिजेंस की थ्योरीज है, December 23 का जो पेपर है कॉपी पेस्ट हुआ है यहाँ पर, ठीक है, पूरी थ्योरीज आपकी उठा के पूछ ली है मैच द कॉलम में, है ना, थर्स्टन, गार्डनर वो सब पूछा हुआ है इस प्रकार से। तो देख रहे हैं सारा कुछ आपका जो है पीवाईक्यू पूछा हुआ है, 3-4 सवाल आपके यहाँ पे पीवाईक्यू पूछे हुए हैं कम्प्लीटली, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जो सवाल है, थोड़ा सा नया कंसेप्ट शायद लिया हुआ है उन्होंने यहाँ पर, लेकिन आपके सिलेबस में है तो आपको पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए, क्रिएटिव प्रोसेस, पिनलवे या निमोनिक जो है, अगर आपको याद नहीं तो कर लें आप आगे के लिए, ये भी क्या है, अगेन आपका पीवाईक्यू रिपीट हुआ है। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 आपके जो है पीवाईक्यू रिपीट हुए हैं इस पेपर के अंदर। और सवाल कितने हैं टोटल आपके, सवाल है आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 में से 5 तो पीवाईक्यू है, तो पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट हुए या नहीं हुए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखे आपने कितने सवाल, 8 क्वेश्चन आपने देख लिए हैं यहाँ पर, ठीक है, 8 सवाल आपके हैं यहाँ पर आ चुके हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे नहीं किया था क्या, यहाँ पे किया था, यहाँ पे 3 सवाल, ठीक है, ओके, 6 देख लिए आपने। अब हम चलते हैं कहाँ पर, अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 7 के ऊपर, और वो क्या कहती है उसको यहाँ पर हम देखते हैं। यूनिट नंबर 7 में देखिए, आपको सवाल पूछा है मेमोरी के ऊपर से, फिर आपको पूछा है कोपिंग के ऊपर से, किस प्रकार से आप कोप करेंगे, ये थोड़ा सा जो है न्यू टाइप का सवाल है, इसको आप पाएंगे कि आपका अगेन पीवाईक्यू रिपीट हुआ है कहीं ना कहीं, वो पूछ रहे हैं आपसे स्मृति के बारे में। उसके बाद देखिए, स्ट्रेस लेवल, ऑप्टिमम लेवल क्या होता है, अगेन आपसे देखिए पीवाईक्यू है आपका ये, ठीक है,
मतलब ये आपका पीवाईक्यू कैसे हुआ, क्योंकि आपको इतना तो मालूम है ना स्ट्रेस में क्या होता है, यरकस डॉटसन लॉ क्या कैसे काम करता है, इतना तो आपको मालूम होना चाहिए अगर आप नेट पास करने की उम्मीद से बैठ रहे हैं तो। ठीक है, वो नहीं मालूम है तो आपके फिर जो है मुश्किलात रहेगी, ये आप यहाँ पर ध्यान रखें। उसके बाद देखिए बैडली का आपका जो है यहाँ पर वर्किंग मेमोरी का कंसेप्ट पूछा हुआ है आपसे कार्यकारी स्मृति के बारे में, तो वो भी आप जो है ध्यान रखें यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, मेमोरी जो थे अभी तक नहीं पूछ रहे थे, कम पूछ रहे थे, इस बार उन्होंने जो है यहाँ पर डाला हुआ है मेमोरी, क्यों डाला हुआ है उसके पीछे वजह है, प्रीवियस वीडियोज वहां पर देखिए क्यों डाला हुआ है। अब यहाँ पर देखिए आइजेंग की पर्सनैलिटी के बारे में आपको सवाल पूछा हुआ है, अब ये आपका न्यू सवाल है। ठीक है, अगर आपने दिसंबर का पेपर भी देखा हुआ है, नहीं देखा हुआ है तो क्या ध्यान रखना है आपको, आपको ध्यान रखना है कि दिसंबर के पेपर में क्या पूछा था आपसे, आपसे शायद तक अल्पोर्ट के बारे में पूछा हुआ था। ठीक है, अल्पोर्ट आइजेंग, तो आप ध्यान रखिए जो पुराना बताया है जिन्होंने पर्सनैलिटी के बारे में, वो आपके आगे अगेन आने की संभावना है, इसको आप पढ़ के जाएंगे, यानी कि सिंपली एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ेंगे। अगला देखिए इमोशन से सवाल पूछा हुआ है आपको यहाँ पर, ठीक है, किस कितने प्रकार के इमोशंस होते हैं बेसिक, सेम आपका जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पीवाईक्यू था, ये वाला पीवाईक्यू था, ये वाला भी पीवाईक्यू था आपका। ठीक है, तीन पीवाईक्यू देख लिया आपने इमोशंस। अब यहाँ देखिए ये अगेन पीवाईक्यू है आपका, एटकिंसन शिफरिन मॉडल के बारे में पूछा हुआ है, पहले क्या होता है फिर क्या होता है। ठीक है, ये भी अगर आपको नहीं आता है तो क्या करना है, पीवाईक्यू आपने अच्छे से लगाना है। और यहाँ पर देखिए मेमोरी फेलियर के बारे में है, ये इस प्रकार का सवाल आपको जो है न्यू पूछा गया है मे बी शायद। ठीक है, तो देखिए एक दो तीन चार, चार पीवाईक्यू पूछे गए हैं आपको, सवाल कितने हैं टोटल आपके, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ में से चार जो है वो क्या है आपके, वो आपके यहाँ पर पीवाईक्यू है। ठीक है, ओके, यूनिट नंबर सात यहाँ पर इसी के साथ, अच्छा एक और है यहाँ पर, टोटल नाइन सवाल है यहाँ पर आपके, नाइन क्वेश्चंस। ये जो है आपके क्या है, ये आपके रस एंड भावाज है, ये आपका अगेन न्यू कॉन्सेप्ट है, पूछा गया है आपके इमोशन से संबंधित, तो आप ध्यान रखें यहाँ पर रस एंड भाव को जो है आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ के जाएंगे अभी आने वाले समय के लिए। ठीक है, तो आपके टोटल कितने सवाल हैं आपके यूनिट नंबर सात से, यूनिट नंबर सात से आपके हैं टोटल नाइन क्वेश्चन। ठीक है, नौ सवाल पूछे गए हैं, तो आप देख रहे हैं नौ सवाल यहाँ पर, फिर यहाँ आठ सवाल, फिर यहाँ तीन सवाल, फिर यहाँ पे आठ सवाल, इस प्रकार से आपको जो है पढ़ना है। लेकिन डोमिनेंस कहाँ देख रहे हैं, जहां पर हम बताएंगे वहीं पर मिलेगा आपको डोमिनेंस। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर आपकी यूनिट नंबर आठ के अंदर, यूनिट नंबर आठ कौन सी है आपकी, वो है आपकी यहाँ पर सोशल साइकोलॉजी, यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान। ठीक है, ये पढ़ना क्यों जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है और आगे आने वाले समय के लिए भी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले पूछा है आपसे इनग्रेटिएशन के बारे में, अगेन आपका देखिए पीवाईक्यू है, लाइकिंग संबंधित आपको पूछा है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है, स्तर बढ़ा दिया है। ठीक है, लेकिन है वही चीज जो आपसे पहले पूछी हुई है। ठीक है, ओके, अगला देखिए ईएलएम मॉडल, अगेन आपका पीवाईक्यू है, इलेबोरेशन लाइकलीहुड मॉडल में क्या होता है कैसे होता है वो भी आपको जो है बनना चाहिए यहाँ पर ईएलएम के बारे में। ठीक है, सेम आपका पीवाईक्यू पूछा हुआ है, सेम नहीं है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट जो है उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके आपको पूछा हुआ है इलेबोरेशन लाइकलीहुड मॉडल के बारे में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर एटीट्यूड स्केल के बारे में, ये जो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर न्यू टॉपिक, इसको इंक्लूड किया है। ठीक है, बोगस पाइपलाइन क्या होती है उसके बारे में, एटीट्यूड स्केल नहीं है बट यहाँ सोशल साइकोलॉजी के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीजें हैं किसी का एटीट्यूड वगैरह देखने के लिए या नहीं देखने के लिए, वो जानेंगे हम क्लास के अंदर। ठीक है, ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा हुआ है प्रो सोशल बिहेवियर के बारे में। अब यहाँ पर देखिए आपको देखना है क्या, यहाँ पर आपके प्रो सोशल बिहेवियर में उन्होंने क्या किया हुआ है चालाकी से, यहाँ पर उन्होंने जो है न्यू थ्योरीज को इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, कुछ नए नए कंसेप्ट, नई नई थ्योरीज लेकर आ गए हैं वो, जिसका आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ नए कंसेप्ट, कुछ न्यू थ्योरीज आपको जो है यहाँ पर लेके आए हैं, जिसको आपको ध्यान रखना है आगे आने वाले समय के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर डी इंडिविजुएशन, इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये अगेन आपका पीवाईक्यू है। ठीक है, एक दो तीन पीवाईक्यू कितने सवाल में से, एक दो तीन चार पांच, पांच सवाल में से आप देख रहे हैं कितने, तीन पीवाईक्यू आपको मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला सवाल क्या है, अगला सवाल यहाँ पर आएगा वो क्या है, अच्छा सवाल खत्म होते हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो सवाल खत्म होते हैं यहाँ पर, एक दो तीन चार पांच, ऐसा नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास नीचे पांच पैराग्राफ के क्वेश्चन बैठे हुए हैं, जो आपने पैराग्राफ लगाया था, यानी कि 5 + 5 कितना हो रहा है आपके, 10 सवाल हो रहे हैं, 10 सवाल यानी कि आपके 20 नंबर, तो अगेन आपके लिए जो है हाई अलर्ट वाले सवाल आपके लिए यहाँ देखने मिलेंगे। ठीक है, अगर पैराग्राफ क्वेश्चन की बात करें उसमें भी आपको देखिए हेल्थ मॉडल के बारे में पूछा है। ठीक है, और भी एक दो मॉडल हैं आपके, ठीक है, वो सब भी क्या है, वो सब आपके पीवाईक्यूज हैं, तो पांच में से आप देखेंगे दो तीन तो आपके जो है सेम टू सेम आपके जो है पीवाईक्यू पूछे गए, मतलब ये तीन पीवाईक्यू प्लस चार पांच छह, छह पीवाईक्यू हैं आपके कितने में से, आपके आउट ऑफ 10 टोटल कितने सवाल पूछे गए हैं आपसे यहाँ पर, आपसे यहाँ पर 10 सवाल पूछे गए हैं यूनिट नंबर 8 से। ठीक है, देख रहे हैं आपके सामने कर रहे हैं सब, आप अपना पेपर उठा के देख सकते हैं और वो सारी चीजें आपको जो है वहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, नहीं अगला जो यूनिट है हमारी वो कौन सी है, वो है आपकी यूनिट नंबर 9। ठीक है, यूनिट नंबर 9 जो है वो कौन सी है, वो है आपकी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, और इतनी बड़ी यूनिट है आपको कि इसको आपको जो है अच्छे से कवर करना है। ठीक है, आपको मालूम है हमारी केवल दो फेवरेट यूनिट है, वो कौन सी है, यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 9।
ठीक है, जिसने इन दोनों को अच्छे से कर लिया, आप मान के चलिए उसका नेट हमेशा गारंटीड रहेगा। और जेआरएफ तो डिपेंड करता है थोड़ा बहुत पेपर वन के ऊपर भी, लेकिन अगर आप साइकोलॉजी में आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे अगर आपकी सेकेंड यूनिट बहुत स्ट्रांग है और आपकी नाइन्थ यूनिट आपकी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, स्ट्रांग इन द सेंस अगर मान के चलिए यहाँ से 10 सवाल आ रहे हैं और यहाँ से 10 सवाल आ रहे हैं, तो प्रैक्टिकली 10 में से 10 लाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आप क्या करें, आप 10 में से 9 ले आए या फिर 8 ले आए, इसके नीचे आपको नहीं जाना है। ठीक है, 10 में से यहाँ पर भी 9 ले आए या फिर 8 ले आए, मैक्स टू मैक्स आप 7 ला सकते हैं, लेकिन इसके नीचे आपको जो है नहीं जाना है। क्योंकि बाकी के लोग क्या स्कोर करेंगे, 2, 3, 4 ये स्कोर करेंगे, पास करने वाले कैसा स्कोर करेंगे, 7, 8, 9 या कभी कभी 10, इस प्रकार के भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, चाहते आपसे ये है कि आप इन यूनिट्स में मैक्सिमम अपना जो आउट इनपुट है वो दें और आउटपुट भी यहाँ से आप मैक्सिमम लें, क्योंकि ये यूनिट्स बनाई है इस प्रकार से है कि आपको जो है यहाँ से मैक्सिमम फायदा उठाते आना चाहिए। ठीक है, वो देखिए कैसे, अभी आपने ऊपर देखे थे आपने कितने सवाल, कई सारे सवाल देखे थे आपने इस वाली से, अभी यहाँ पर आपको देखिए वही नमूना, वही सेम चीज आपको यहाँ पर देखने मिलने वाली है। पहला सवाल था आपका काउंसलिंग के ऊपर से, आई गेस आपको ये रिपीट किया हुआ है आपका काउंसलिंग का सवाल शायद तक। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका जो है मॉरल डेवलपमेंट, अगेन आपका क्या चल रहा है, पीवाईक्यू क्या होता है, कौन सा होता है वो आपको मालूम होना चाहिए, अगेन आपका पीवाईक्यू है यहाँ पर। उसके बाद देखिए यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर, अच्छा एन गायब कर दिया किसी ने, ब्रॉनफेनब्रेनर का जो मॉडल है अगेन आपका पीवाईक्यू है 19 वाला। ठीक है, ये आपका पीवाईक्यू है, तो ये देखिए 3 सवाल में से आपको 2 तो पीवाईक्यू ही मिल रहे हैं और आप कह रहे हैं नहीं पीवाईक्यू लगाने से क्या होता है, नहीं पीवाईक्यू लगाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मतलब आपको हंसी आएगी अब ये पूरी यूनिट देखते देखते, और अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आपको अलर्ट हो जाना है। ठीक है, कि आपने पीवाईक्यू अच्छे से नहीं लगाए थे। ठीक है, ओके, अगर आपको देखना है पीवाईक्यू लगाते कैसे हैं तो एक बार आप जो है हमारा यहाँ पर प्रीमियम पीवाईक्यू कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीवाईक्यू देखने का पूरा नजरिया आपका जो है वहां पर बदल जाएगा, जैसे काफी लोगों का बदला हुआ है। ठीक है, ये देखिए ट्रांजेक्शनल एनालिसिस आपका अगेन यहाँ पर जो है पीवाईक्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, अगेन आपका जो है यहाँ पर पीवाईक्यू आया हुआ है इससे संबंधित, TA आपका एरिक बर्न वाला। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं, आगे अगला जो सवाल है वो है आपका ईगान्स मॉडल ऑफ काउंसलिंग, ये आप देखेंगे अगेन ये आपका पीवाईक्यू है, इसके पहले ही पेपर में पूछा था या उसके पहले पेपर में आपको पूछा हुआ है, सेम टू सेम आपको जो है पूछ रहे हैं किसके बारे में, ईगान का जो मॉडल है काउंसलिंग के बारे में उसके लिए आपको यहाँ पर पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें यहाँ पर ईगान्स मॉडल ऑफ काउंसलिंग। उसके बाद देखते हैं आगे चलते हैं, आगे क्या है, गेस्टाल्ट थेरेपी, यहाँ तो लिखा भी हुआ है उन्होंने, रिपीटेड है आपका ये। ठीक है, ये आपका रिपीटेड है, आई गेस 23 वाला आपका, या दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था या जून 23 में हुआ था वो वाला एग्जाम आपका जो है यहाँ पर रिपीट किया है गेस्टाल्ट थेरेपी के अंदर। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी आपका पीवाईक्यू है, पूछ के रखा है उन्होंने यहाँ पर पहले। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, गेस्टाल्ट थेरेपी के ऊपर एक और सवाल है, वो अभी आपका जो है बट ऑब्वियस सी बात है आपका पीवाईक्यू रहने वाला है, नहीं ये पीवाईक्यू नहीं है, सॉरी एक मिनट यहाँ पर, ठीक है जो नहीं है वो नहीं है, ये पीवाईक्यू नहीं है आपका, यहाँ पर जो है थोड़ा सा नया कंसेप्ट पूछा हुआ है कि इसके अंदर क्या होता है। लेकिन इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको पता है क्या मालूम होना चाहिए, आपको बननी चाहिए यूनिट नंबर 1 के अंदर क्या सारी चीजें होती हैं, क्या क्या होता है, अलग अलग स्कूल्स किस प्रकार से होते हैं, क्या काम करते हैं, थोड़ा बहुत आपको उसका आइडिया यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, ओके, यानी कि आपका ये मिक्स सवाल पूछा है यहाँ पे। उसके बाद देखिए आपको माइक्रो स्किल्स ऑफ लर्निंग सोलर मॉडल यहाँ पर पूछा है, कुछ नहीं इसी का अपग्रेड वर्जन यहाँ पर आ रहा है, तो ये आपको जो है नया पूछा है। ठीक है, न्यू कंसेप्ट आपको पूछा हुआ है यहाँ पर, कोई चिंता वाली बात नहीं है, इस प्रकार के सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका लर्निंग का सोलर मॉडल है, तो इसको आप ये ना समझें कि आप कहां पर आएगा, ये आपके फिफ्थ यूनिट में आएगा, ऐसा नहीं है, जहां लर्निंग देखिए फिफ्थ यूनिट नहीं कर देना है। उसके बाद देखिए आपकी रियलिटी थेरेपी पूछी हुई है, पहले आपको पूछा हुआ है कि इसके बारे में नहीं, ये भी आपको जो है यहाँ पर न्यू इंक्लूड किया है इस बार यहाँ पर। ठीक है, ओके, उसी के साथ देखिए यहाँ पर जो अगली बात है वो ये है कि आपका यूनिट नंबर 9 यहाँ पर समाप्त होती है ना, यूनिट नंबर 9 आपकी जो है यहाँ पर समाप्त होती है। कितने सवाल है देखिए जरा यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अरे एक मिनट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 सवाल, ओ माय गुडनेस, देख रहे हैं आप यहाँ पर 9 सवाल पूछे गए हैं एक मिनट, लेकिन उसमें से पीवाईक्यू कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 9 में से 5 आपके क्या हैं, आपके पीवाईक्यू हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन रुकिए, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर केवल 9 सवाल है तो आप जो है इल्यूजन में है, आप भ्रम में है। ठीक है, ऐसे ही नहीं कह रहे कि यूनिट 9 जो है फेवरेट है एनटीए की, क्यों है वो यहाँ पर देखिए आगे, आगे आप देखेंगे यहाँ पर आगे आपको मिलेगा क्या, आगे आपको मिलेगा ये हंटिंगटन कोर्साकोफ सिंड्रोम जो है, इसके बारे में आपको जो डिसऑर्डर वगैरह है, थोड़ा बहुत साइकोपैथोलॉजी वगैरह या फिर माइटोसिस वगैरह जो है आपको, वो भी कहाँ पढ़ना रहता है, वो भी पढ़ना रहता है आपको यूनिट नंबर 9 के अंदर। ठीक है, क्या होता है, कौन से क्रोमोजोम वाले हैं, इसको देखिए आप, इसको कई जगह इंक्लूड कर सकते हैं, इसको आप यूनिट नंबर 4 में भी देख सकते हैं, जहाँ पर क्रोमोजोम एनोमली वगैरह वो सब होता है, ठीक है, डीएनए वगैरह वो सब होता है, लेकिन यहाँ पे इसको डाला गया यूनिट नंबर 9 के अंदर। ओके, उसके बाद देखिए अगला क्या है, अगला आपके पास यहाँ पर ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल, इसको आपने सॉल्व किया था कहाँ पर, हमारे मॉक टेस्ट के अंदर भी सॉल्व किया था इसको, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपका जो है ये आपका पीवाईक्यू है।
ठीक है, ये आपको पिछले ही पेपर में आपको पूछा गया था इसके बारे में। यहाँ पे कितने पीवाईक्यू थे, पहले 5 थे, अब यहाँ कितने हो गए, आपके 6 पीवाईक्यू हो चुके हैं। ठीक है, अरे उसके बाद रुकिए, एक और सवाल है आपका डेवलपमेंटल से। सवाल जो था थोड़ा मिक्स टाइप में था पैटर्न में, हॉरिजॉन्टल डिकेलेज के बारे में या डिकले के बारे में पूछा हुआ है आपसे, डिकेलेज होता है वैसे, ठीक है, तो उसके बारे में पूछा हुआ है आपसे। और ये क्या है, ये आपका जो है यहाँ पर इसको न्यू कॉन्सेप्ट की तरह यहाँ पर इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट के ही अलग अलग चीजों को जो है एक प्रकार से मैच द कॉलम में आपको यहाँ पर पूछा हुआ है उन्होंने इस बारे में। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्या है, अगला क्यूबलर रॉस मॉडल, उनका फेवरेट डाबडा, अगेन आपका जो है पीवाईक्यू रिपीटेड है, तो टोटल कितने पीवाईक्यू रिपीट हो गए आपके यहाँ पर, आपके 7 हो गए। ठीक है, अरे एक मिनट, अभी तो और है यहाँ पर ट्रांजेक्शनल एनालिसिस, ये कहाँ से पूछ रहा है आपसे, यूनिट नंबर 9 से पूछ रहे हैं, लेकिन हम तो पढ़ेंगे ना यूनिट नंबर 9, क्योंकि हमको आती ही नहीं है, या हम पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि टफ लगता है, टफ लगता है, वही से आप देख रहे हैं सवाल आपको कितने ज्यादा देखने मिल रहे हैं। ये भी आप देखेंगे तो आपका पीवाईक्यू यहाँ पर अगेन रिपीट हुआ है टीए के संबंध में। ठीक है, ओके, उसके बाद देखिए यहाँ डिफेंस मैकेनिज्म को यहाँ इंक्लूड कर दिया है, आप इसको कहीं भी इंक्लूड कर सकते हैं, 1 में, 4 में, 4 में नहीं करेंगे, 1 में कर सकते हैं, 5 में नहीं करेंगे, 7 में कर सकते हैं और 9 में कर सकते हैं, तो जहां आपकी मर्जी है चलता है, इतना एक दो सवाल यहाँ वहाँ। ठीक है, लेकिन डिफेंस मैकेनिज्म देखें आप तो कहाँ पढ़ते हैं, आप ये पढ़ते हैं जो आप फ्राइड की स्टेजेस पढ़ेंगे उसके अंदर आपको यहाँ पर पढ़ने मिलेगा। ठीक है, तो डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो भी आपका पीवाईक्यू है, पहले आपको ये जो है यहाँ पर इसके बारे में आपको यहाँ पर पूछ चुके हैं। उसके बाद देखिए कुछ और सवाल है क्या, अभी मन नहीं भरा क्या, हाँ मन नहीं भरा अभी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए साइकोथेरेपी के बारे में पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, साइकोथेरेपी के बारे में आपसे पूछा हुआ है कि कौन सी थेरेपी कहाँ काम करती है, किस प्रकार से, और ये भी आप पाएंगे देखेंगे कि इसको भी पीवाईक्यू में डाला हुआ है, शायद तक पीवाईक्यू भी पूछा हुआ है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। उसके अलावा और कुछ है क्या, अरे रुकिए अभी यहाँ देखिए सेल्फ एस्टीम संबंधित आपका जो है एक मैच द कॉलम भी पूछा गया है आपसे, जहां पर वो क्या पूछ रहे हैं कि अटैचमेंट स्टाइल किस प्रकार से होती है। ठीक है, हाई लो वार्म्थ वो जो है यहाँ पर वो भी कहाँ पर आएगा आपका, वो भी आएगा आपका इसका अटैचमेंट वाला जो है आपका यूनिट नंबर 9 के अंदर। ठीक है, वो सब स्टाइल्स वगैरह अगर आप चाहें तो इसको यूनिट नंबर 9 में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये नहीं कि कहाँ पर आ रहा है, लेकिन एक जनरल आइडिया आपको लगेगा कि अच्छा ठीक है इस प्रकार से आता है। ओके, तो इसके साथ जो है यूनिट नंबर 9 समाप्त होती है। ठीक है, केवल ये यूनिट ऐसी है जिसकी आपने 2 स्लाइड देखी है, प्लस उसी के साथ साथ सेकंड नंबर की यूनिट ऐसी है जिसकी आपने 2 स्लाइड देखी है। सवाल देखते हैं कितने थे आपके यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 सवाल यहाँ पर देखे आपने, ऊपर कितने देखे आपने, ऊपर देखे आपने 9 सवाल, 9 और 8 कितना होता है, हमें काउंटिंग नहीं आती है, 9 और 8 होता है कितना होता है, 9 और 8 होता है आपका 17। क्वेश्चंस कहाँ से आए हुए हैं आपकी, यूनिट नंबर 9 से आए हुए हैं। ठीक है, तो आपसे जो कहते हैं यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 9 इंपॉर्टेंट है वो इसीलिए कहते हैं। ठीक है, उसमें से देखिए पीवाईक्यू कितने आपके, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पीवाईक्यू है और 5 पीवाईक्यू यहाँ है, 17 में से आपके 10 तो आपके क्या है, 10 तो आपके पीवाईक्यू है, सिंपली 10 तो आपके पीवाईक्यू है, 10 नहीं तो 9 तो है आपके कम से कम, एटलीस्ट पीवाईक्यू यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो इतना तो आप कम से कम स्कोर कर सकते हैं यहाँ पर बड़े आसानी से, और बाकी के जो 7 सवाल हैं उसको भी अगर आप करें अच्छे से तो 2, 4, 5 सवाल, 3 सवाल, मैक्सिमम 4 सवाल तो आपके सही हो ही सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो आपको ट्राई करना है, अटेम्प्ट करना है आपको इस प्रकार से पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर देखें कितने सवाल आपने, 17 क्वेश्चंस, और अगर आपको याद होगा यहाँ पर यूनिट नंबर अगर हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड में देखिए कितने सवाल है, सेकंड में भी आपके कितने सवाल है, यहाँ पर 17 सवाल है, देख रहे हैं 17 आपके यहाँ पर है और 17 आपके यहाँ पर है, यानी कि 34 सवाल कहाँ से है, केवल आपकी सेकेंड यूनिट से है प्लस आपकी 9 यूनिट से है, 34 सवाल, माय गुडनेस, 68 नंबर आपके जो है कहाँ से देखने मिल रहे हैं आपको, 68 नंबर आपको देखने मिल रहे हैं केवल केवल 2 यूनिट से। आप समझ रहे हैं, आप समझेंगे जब आप पढ़ेंगे अच्छे से, जब आप पास करने के लिए पढ़ेंगे, लिटरली आप पढ़ेंगे सही में, तो आपको मालूम पड़ेगा कितनी इंपॉर्टेंट यूनिट है और जो हम बता रहे हैं वो आपको कितना सही है, कितना वाजिब है, वो आपको उसी दिन समझ में आएगा। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं आगे, और समझ में तो आ ही गया होगा पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट है, आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। अब हम चलते हैं अपना जो सवाल है यूनिट नंबर 10 उस पर चलते हैं, और ये कौन सी है आपकी, ये है आपकी कौन सी यूनिट, 10 यूनिट है आपकी, इसको हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं इसको इमर्जिंग एरियाज। ठीक है, इमर्जिंग एरियाज में देखिए आप यहाँ पर आप पाएंगे इस बार कि आपको जो है हेल्थ का सवाल पूछा है मटाराजो संबंधित, लेकिन सवाल जो है आपका मटाराजो से नहीं है, सिंपली आपको ये पूछ रहे थे कि हेल्थ साइकोलॉजी में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होना चाहिए, कॉमन सेंस से भी आपका सवाल यहाँ पर सॉल्व हो सकता है, और अगर आप इसको देखेंगे तो आपका ये पीवाईक्यू रिपीटेड है। ठीक है, कह सकते हैं, नहीं कह सकते, नहीं कहते हैं चलिए इसको हटा दीजिए यहाँ से, पीवाईक्यू नहीं कहेंगे, लेकिन हेल्थ साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, ये तो कॉमन सेंस ही बात है ना, कि हेल्थ साइकोलॉजी वाला क्या करेगा, वो आपका यहाँ कॉमन सेंस की बात है। उसके बाद देखिए पूछा है आपसे सीएस के बारे में, यानी कि आपकी जो चरित्र की ताकतें हैं, कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स है, उनके बारे में पूछा हुआ है, और ये भी क्या है आपका, ये भी आपका यहाँ पर पीवाईक्यू है। ठीक है, ओके, उसके बाद देखिए उसके बाद क्या बचा है, उसके बचा है आपकी ग्लास सीलिंग, ग्लास सीलिंग कहाँ है, आपके घर में नहीं है, ये कहाँ पर है, ये भी आपका पीवाईक्यू में है,
ग्लास सीलिंग क्या होती है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो सब कहाँ है आपके पीवाईक्यू में दिया हुआ है। तो ये सवाल आपके कहाँ से पूछे गए हैं, ये तीन सवाल आपके यूनिट नंबर 10 से। ऑलराइट, और इसी के साथ आपकी जो है यूनिट नंबर 10 जो है यहाँ पर समाप्त होती है। यूनिट नंबर 10 से कितने सवाल पूछे गए हैं आपके, केवल तीन सवाल पूछे गए हैं। कितने सवाल, केवल 3 क्वेश्चन आपके जो है यहाँ पर पूछे गए हैं, कहाँ से, आपके यूनिट नंबर 10 से। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि फोकस एरियाज कौन से हैं एंड फोकस पॉइंट्स कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने सवाल आपके आए हैं, 3 सवाल आपके लिए आए हैं। और ये था आपका कंप्लीट पेपर एनालिसिस आपके कहाँ से, आपके जून 2024 से, जो आपको यूजफुल देगा, मदद देगा कहाँ पर आपको, आपके आगे आने वाले एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या आपको 100 सवाल आपको यहाँ देखने मिल रहे हैं या नहीं देखने मिल रहे हैं, या फिर हमने अपने मन से बना दी है आपको ये PDF कि हाँ यहाँ से आया है, यहाँ से पढ़ लो, और आपको बोल रहे हैं कि यूनिट नंबर 2 और 9 पढ़ना है, आप लोग मत पढ़िए उसको। ठीक है, मत पढ़िए, तो जो लोग पास होंगे वो पढ़ सकते हैं उसको अच्छे से। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पर कितने सवाल हैं। यहाँ पे आपके 3 सवाल हैं, ठीक है, 3 सवाल आपके यहाँ पर हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, यहाँ पर कितने सवाल हैं आपके, 3 के बाद आपके आते हैं यहाँ पर अगला जो है आपके 17 सवाल है। 17 यानी कि 17 और 3 कितना होता है, 17 और 3 होता है आपका 20 यहाँ पर। ठीक है, तो 20 के बाद ऊपर आएंगे और तो कितना होगा 29 यहाँ पर। 9 सवाल आपको पूछे गए यूनिट नंबर 9 से। ठीक है, नहीं वो था आपका एक ही साथ था आपका, 20 सवाल टोटल चल रहे हैं अभी, 2 यूनिट में 20 सवाल। यहाँ पर आप देखेंगे 10 सवाल यानी कि 30 सवाल हो गए आपके। 30 के बाद आप आएंगे यहाँ पर, 9 सवाल 39 हो गया यहाँ पर। 39 के बाद आपका यहाँ पर 8 सवाल हैं, तो कितना हुआ 39 और 1 होता है 40, 40 और 47 पे आप आ जाएंगे, और 47 के बाद आप पाएंगे यूनिट नंबर 5 में कितने सवाल हो गए आपके यहाँ पर, 3 सवाल, यानी कि टोटल 50 सवाल आपके आपसे पूछे हैं कहाँ पर, यूनिट नंबर 10 तक। मतलब 5 से 10 में कितने सवाल पूछे हैं आपसे, 5 से 10 में 50 पूछे हैं, बट ऑब्वियस बात है बाकी में आपको 50 पूछेंगे ऐसा लग रहा है। ठीक है, देखते हैं आगे है कि नहीं ऐसा। फिर यहाँ देखिए 9 सवाल पूछे हैं, 59 हुआ आपका, 59 के बाद आपका यहाँ पर 7 हुआ यानी कि 66 हुआ, 66 के बाद आपका यहाँ पर 17 है। ठीक है, और यहाँ पर आपका कितना है, यहाँ पर आपका है 6 सवाल यानी कि 66 और 6 कितना होता है 72, 72 और 17 कितना होगा आपका 82, 82 और 7 89 यानी कि कितने सवाल है आपके अभी तक यहाँ पर, मात्र 89 सवाल है। अरे अरे अरे, लेकिन एग्जाम में तो हमने कितने सवाल दिए थे, हमने 100 दिए थे, तो बाकी के 11 सवाल कहाँ गए। तो अब चलिए देखते हैं उन्हीं 11 सवालों को, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम कहेंगे आपके आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चंस। ठीक है, वो 11 सवाल कहाँ से हैं, क्या हैं, उनको चलिए अब यहाँ पर देखते हैं और खोजते हैं। ठीक है, तो जो अब आप यहाँ पर देखने वाले हैं वो क्या है, वो है आपके यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस सवाल, जो इस बार आपको पूछे गए हैं। आउट ऑफ सिलेबस क्यों, सिलेबस में कहीं भी मेंशन नहीं है और आपको नए नए प्रकार से पूछा गया है, उस प्रकार से हम बात करेंगे यहाँ पर इस वीडियो के अंदर। ठीक है, पहला देखिए आपका ये एक नाम है मिल्ड्रेड बी पार्टन, यहाँ पर गलत स्पेलिंग लिखी हुई है लेकिन चलिए ठीक है, आपके यूनिट नंबर 9 में आएगा ये बॉस आगे जब आएंगे, लेकिन आपको ये पहली बार पूछा गया है आपका नया कॉन्सेप्ट। ठीक है, न्यू टॉपिक आपका ये आउट ऑफ सिलेबस पहली बार आपको पूछा गया है यहाँ पर। उसके बाद देखिए करेस्पॉन्डेंस बायस, तो खैर पूछा था उन्होंने यहाँ पर, लेकिन एक्शन आइडेंटिफिकेशन या फिर जो हम कह सकते हैं सवाल पूछने का जो पैटर्न था वो आपका पहली बार आपको देखने मिलेगा, और ये कहाँ पर था, आपके यूनिट नंबर 8 में था। उसके बाद देखिए हर्ज़बर्ग की मोटिवेशन थ्योरी आपने सुनी होगी, ये अभी तक नहीं पूछ रहे थे वो, 19 के बाद से आज तक नहीं पूछा हुआ था, लेकिन आज जो है यहाँ पे कौन से कर रहे हैं, 2019 के आगे जो भी सवाल आए हैं उनकी बात हो रही है खासतौर पर, उसके कंसिडरेशन में हम जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है। तो यहाँ पर क्या है, हर्ज़बर्ग का जो मोटिवेशन है ये कौन सी यूनिट में, आपकी यूनिट नंबर 7 के अंदर है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ये अगेन आपका जो है बाहर से पूछा गया है 7 नंबर का, यानी कि है कहाँ पर, ये है आपका मोटिवेशन में। ठीक है, लेकिन आप पढ़ते नहीं है इसको अमूमन आम भाषा के अंदर, या फिर इसको नॉर्मली पढ़ते नहीं है, ये थोड़ा सा जो आपका है इंडस्ट्रियल वाला पार्ट चला जाता है, तो आप ये मान के चलिए इंडस्ट्रियल वाला जो है थोड़ा सा आप धीरे धीरे हावी होने वाला है, उसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए जनरल एग्रेशन मॉडल, एग्रेशन के अंदर आप कितना पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, डॉलर मिलर पढ़ लिया आपने या एक दो थ्योरीज आपने और पढ़ ली, लेकिन यहाँ पर आपका जो है यूनिट नंबर 8 में इसको भी इंक्लूड किया गया है। कितने सवाल हो गए हैं, 1 2 3 4 5 सवाल आपने देखे यहाँ पर। अब हम देखते हैं उसके आगे और क्या है, उसके आगे हम बात करें यहाँ पर, तो आपका है फिट्स एंड पॉसनर का एक सवाल पूछा है आपसे, ये भी आपका न्यू सवाल है, पहली बार पूछा गया है आपसे आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस यानी कि 19 से लेकर 23 तक अभी तक उन्होंने एक भी बार नहीं पूछा हुआ है, उन सवालों को हम यहाँ पर ले रहे हैं जो उन्होंने पहली बार आपकी तरफ यहाँ पर फेंके हैं और आप लोग जो है गुमराह हो गए थे। तो यहाँ पर देखिए ये कहाँ से है आपकी, ये आपके लर्निंग वाले पार्ट में है। ठीक है, लर्निंग वाले पार्ट में आपका ये 5 आएगा यहाँ पर, ठीक है 5th यूनिट आएगी आपकी यहाँ पर। और अगर आपको इसको पढ़ना चाहते हैं कहाँ मिलेगा पढ़ने, आपके पढ़ने मिलेगा आपको आपकी NCERT के अंदर। ठीक है, NCERT में आपको पढ़ने मिलेगा ये, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें।
उसके बाद देखिए अगला जो आएगा वो कौन है, वो है आपके वेदास। ठीक है, अब बताइए आप कहाँ आपसे पूछ रहे हैं। इंडियन नॉलेज सिस्टम पता नहीं क्या पूछ लिया आपसे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद है ना, अथर्ववेद, वो जो आपसे वेदास के बारे में है आपकी यूनिट नंबर वन में आएगा, वो आपसे देखिए आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर सवाल पूछ लिया है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर वो है आपका शहीज का लाइफ स्पेन मॉडल, ये भी अभी तक नहीं पूछ रहे थे, इसको भी इन्होंने जो है इंक्लूड किया है आपके यूनिट नंबर 9 से। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए जीवा के बारे में पूछा है आपसे यहाँ पर, जैन धर्म के बारे में, आपकी यूनिट नंबर 1 में आपका ये आएगा जैन के बारे में। तो ये सब जो सवाल आप देख रहे हैं ये सब क्या है आपके आउट ऑफ सिलेबस सवाल है, जो आपके बाहर से आपको डाले गए हैं, अभी तक नहीं पूछ रहे थे और उनको यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, और इसी के साथ आपके जो यहाँ पर समाप्त होते हैं आपके आउट ऑफ सिलेबस वाले सवाल। इसको हम ऐड करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 सवाल आपके यहाँ पे हैं, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। कहानी खत्म कहाँ होगी, 89 + 9 करिए कितना आएगा आपको, करिए 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 कितना आएगा आपका 98। अभी भी बच रहे हैं कहाँ पर, अभी भी बच रहे हैं आपके 2 सवाल जिसको हम देखने वाले हैं अभी यहाँ पर नीचे। अगला सवाल जो आपके सामने आ रहा है वो है आपकी कुंडलिनी के बारे में, और आपसे पूछा है यहाँ पर चक्रास के बारे में। ठीक है, ये आपका देखिए एक और आपका यहाँ पर जो है नवीन सवाल आपको देखने मिल रहा है यहाँ पर कुंडलिनी चक्रास के बारे में। ठीक है, उसके बाद देखिए आपसे पूछा है जैनिज्म के बारे में, यानी कि जैन धर्म के बारे में, एक और नया सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर कि क्या होता है, उसमें जितेंद्रिय होता है, कौन सा इंद्रिय होता है, वो आपसे पूछ के रखा है यहाँ पर। तो ये कितना हुआ, 98 + 2 = 100। और इसी के साथ जो है आपका ये सिलेबस का आपका जो डिस्कशन है, एनालिसिस है, ये आपका यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर कि किस प्रकार से आपके सिलेबस से जो डायरेक्ट सवाल आए थे वो कितने थे, 89 थे, जिसमें से कई सारे तो आपके जो क्या थे केवल और केवल PYQ थे, प्लस आपका यहाँ पर देखेंगे आपके 11 जो थे आपके वो क्या थे, वो आपके न्यू क्वेश्चंस थे, न्यू पैटर्न कह सकते हैं, नए सवाल कह सकते हैं, ये जो थे आपके नए सवाल थे। कुल मिला के कितने होते हैं यहाँ पर होते हैं आपके 100 सवाल, 100 क्वेश्चन आपके, किसके 100 सवाल होते हैं आपके UGC नेट जून 2024 एग्जाम के। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट विश्लेषण, कंप्लीट एनालिसिस। अब आपको क्या करना है, आपको जो है इसको देखना है, एंड अभी आपने जो है आगे इस प्रकार से आपने जो है तैयारी करनी है। ठीक है, और फोकस कहाँ पे रखना है आपको, फोकस रखना है आपको अपने थ्योरीज के ऊपर, प्लस PYQ के ऊपर, प्लस आपके मॉक्स के ऊपर आपको जो है फोकस रखना है। TPM जो है आपका, इस पे आपको जो है फोकस रखना है अच्छे तरीके से। ठीक है, ऑलराइट, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, बात करेंगे हम और किसी विषय के बारे में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, एंड हाँ एक और बात यहाँ पर कि अगर आप ये PDF चाहते हैं, PDF आप तक पहुंचे, तो आपने क्या करना है, आपने जो ऊपर नाम देखा था आपने, जो इसको आप देख रहे हैं चैनल को, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें, नीचे अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कर सकते हैं आप। उसी के साथ क्या करना है आपको, ये सर्च करना है कहाँ पर, आपके टेलीग्राम के ऊपर सर्च करना है, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी लेक्चर्स की अपडेट वगैरह आती है, या फिर इस पर्टिकुलर PDF की बात करें, तो आपको कहाँ मिलेगी, आपको मिलेगी इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है, आपको वहां पर अपडेट कर दी जाएगी, तो वहां से उसको आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब यहां तक रुक गए हैं, तो जरा एक और चीज देखते जाइए कि कितने PYQs आए हुए हैं आउट ऑफ 89, उसको भी हम यहां पर देखते हैं, ताकि आपको आइडिया रहे, आपको मालूम रहे कि PYQs कितने आते हैं और कितने हमको पढ़ने होते हैं, और PYQs को इंपॉर्टेंट है वो भी आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहां पर, सबसे पहला आपको दिख रहे हैं यहां पर 2 PYQ। ठीक है, 2 PYQ दिख रहे हैं यहां पर, इसको काउंट नहीं कर रहे हैं, जाने दीजिए उसको, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं केवल 2 PYQ। ठीक है, 2 PYQ हैं आपके यहाँ पर, एक ये और एक ये, यानी कि यहाँ पर 2 PYQ यहाँ पे थे। ठीक है, 2, अब यहाँ देखते हैं आगे कितने हैं आपके, 10 हैं आपके PYQ ना, 10 PYQ आपके यहाँ पर है, तो 10 और 2 कितना होता है, 12 है ना, यहाँ पे आपके 10 PYQ, आपको PDF में सुविधा रहेगी इसे नोट करने के लिए। उसके बाद देखिए आपके आपके यहाँ पर कितने हैं, 1, 2, 3, 4 नहीं, कितने हैं आपके, 1, 2, 3, 3 यहां पर और 3 यहां पर, 6 है ना, 6 यहां पर आपके जो है PYQ है आपके। ठीक है, तो 12 और 6 कितना होता है, 12 और 6 होता है आपका 18। ठीक है, 18 सवाल अभी तक आप देख चुके हैं PYQ केवल 3 यूनिट से। उसके अलावे अगर आप यहां पर देखें तो कितने हैं आपके, 1, 2, 3, 4 चार यहां पर है, और कुछ है क्या, नहीं, 4 बस यहां पर है, तो 4 PYQ। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं ऊपर, यहां पर ऊपर कहां पर, ऊपर यहां पर कितने PYQs हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, अच्छा ये भी है 5, ये वाला भी है 5 PYQ आपके यहां पर है। कितने PYQ हो गए आपके यहां पर, 5 PYQ। ठीक है, काउंट करते जाइएगा।
क्या देखें यहाँ पर, पी वाई क्यू, दो पी वाई क्यू आपको देखने मिल रहा है यहाँ पर। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 9 सवाल में से कितने पी वाई क्यू है आपके, 1, 2, 3, 4, 5, 5 पी वाई क्यू यहाँ पर आपके। उसके बाद यहाँ पर आएंगे आप तो आपको मिलेगा कितना, एक ही पी वाई क्यू पूछा है यहाँ पर, ये भी आपका पी वाई क्यू है ना, आइटम राइटिंग संबंधित दो हो गए हैं और किसी को कंसिडर नहीं कर सकते, ये करेंगे तीसरा पी वाई क्यू। कितने पी वाई क्यू है यहाँ पर आपके, 3 पी वाई क्यू है आपके यहाँ पर, ठीक है, यूनिट नंबर 3 के अंदर। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर तो सभी लग रहे हैं वैसे पी वाई क्यू, मार्क ही नहीं किया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे आप ये हटा दीजिए, काय स्क्वायर ये नया है, ये आपका पी वाई क्यू है एक, ये आपका जो है फैक्टोरियल डिजाइन, नहीं इसको काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद आपको देखेंगे सर आर आर लिखा हुआ है क्या, यस एक है आपका, देन 1, 2, 3, 4 और 1, 5, 4 और 1, 5, 1, 2, 3, 4, ये भी आपका पी वाई क्यू है, 5 और 1, 6, ठीक है। यहाँ पे कितने पी वाई क्यूज हैं आपके, यहाँ पर आपके 6 पी वाई क्यूज पूछे हुए हैं, ठीक है, मतलब 17 में से 6 पी वाई क्यू हैं आपके सीधा सीधा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कितने पी वाई क्यूज हैं आपके, ये था आपका 1, 2, 3, 3 पी वाई क्यू आपके यहाँ पूछे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे कितने पी वाई क्यूज हैं, यहाँ पे आपके 3 पी वाई क्यूज। और इस प्रकार से आपका जो है ये एनालिसिस आपका जो है समाप्त होता है। इसको फटाक से एक बार ऐड कर लेते हैं, कितना होता है यहाँ पे गया आपका 3, ठीक है, 3 के साथ ऐड करेंगे तो कितना हुआ, 6 और 3, 9, ठीक है, 9 के बाद आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 के बाद आप ऐड करेंगे 3 तो 12, 12 के बाद आप ऐड करेंगे 5 तो 17, 17 के बाद आप ऐड करेंगे 2 तो 19, 19 के बाद 5 करेंगे तो 23, नहीं 19 और 5 कितना हुआ, 19 और 1, 20, 24, ठीक है, 24 हुआ आपका यहाँ पर, 24। उसके बाद आप आगे आइए, 24 और 4 कितना होता है, 28, 28 के बाद आप आगे आएंगे तो 6, 34, 34 के बाद आप 10 पी वाई क्यू, माई गुडनेस, 34, 44, 44 और उसके आगे आप जाएंगे तो यहाँ पर 46, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, 46 तो आपके केवल क्या है, 46 तो जो आपके हैं केवल क्या है, वो आपके केवल पी वाई क्यू है, ठीक है। तो आउट ऑफ 89, अब यहाँ रंग चेंज कर देते हैं, 46 क्या है आपके, 46 तो आपके केवल पी वाई क्यूज हैं, 46 नंबर समझ रहे हैं आप, 46 केवल पी वाई क्यू हैं आपके, ठीक है। तो करेंगे इसको तो 90 में से, अगर यहाँ 90 हो जाते हैं तो 90 में से देखिए 45, यानी कि 50% पेपर आपका देखिए क्या आ रहा है, पी वाई क्यू आ रहा है, 50% आपके जो है नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। आपको पास करने के लिए कितना चाहिए होता है, 70% जेआरएफ के लिए अप्रोक्सीमेटली। तो अगर आपने ये 50% कर लिया अच्छे से और बाकी के जो 50% है उसमें से अगर आपने 20% भी कर लिया तो आपका काम तो ऑलरेडी डन हो जाएगा वहां पर, ठीक है। और ऐसा नहीं कि 20 करेंगे आप, 30 40 भी कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अगर आपने इसको अच्छे से फोकस करके रखा हुआ है तब ये 50% जो पहले पी वाई क्यू वाले हैं इसको आप अच्छे से करेंगे तभी आपका जो है बड़ी आसानी से आपका जो है पूरा मामला सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा आपके सामने की बात है ये कि आप जो है यहाँ पर 50% सवाल जो है आपका पी वाई क्यू आया हुआ है, 46 सवाल आप देखेंगे यहाँ पर सीधा सीधा आपके जो है पी वाई क्यू से आए हुए हैं, तो आपका नंबर तो 46 से नीचे तो आपका आना ही नहीं चाहिए किसी हालत में, ठीक है। ऑल राइट, तो ये था पूरा आपका डीप में एनालिसिस आपके साइकोलॉजी पेपर का। तो इसी प्रकार से अगर आप आगे और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप चाहते हैं तैयारी करें हमारे साथ, ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे नंबर दिया है यहाँ पर आप जो है कोर्स वगैरह के बारे में जानकारी ले सकते हैं और फटाक से उसको जो है यहाँ पर ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और आगे बढ़िया कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपको फुल कोर्स नहीं चाहिए, फुल कोर्स काफी महंगा है, अगर आपको लगता है ऐसा तो आप क्या कर सकते हैं, आप केवल प्रीमियम पीवाईक्यू कोर्स ले सकते हैं, यहाँ से भी लोगों ने नंबर बढ़ाए हुए हैं अपने और यहाँ से भी लोगों को जो है काफी ज्यादा फायदा पहुंचता है इस प्रीमियम पीवाईक्यू कोर्स से, ठीक है। ऑल राइट, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, नहीं आया हो तो क्या करें, इसको लाइक कर दें, टेलीग्राम पे आके पीडीएफ ले लें और फिर आप बोल दीजिए इसको कि हमको पसंद नहीं आया, ठीक है, लेकिन पीडीएफ लेके जाइए। उसी के साथ साथ वीडियो लाइक करें और कमेंट करें, आप कुछ अगर आपका क्वेरी वगैरह है इस पेपर से संबंधित या इस बात से संबंधित तो उसको करिए, अदरवाइज धन्यवाद।